नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कन्नौज की हरदेवगंज में रातों रात रखी हनुमान की मूर्ति पुलिस मामले की जांच में जुटी, शहर में बना चर्चा का विषय। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था एवं अवैध कब्जे को लेकर सख्त रवैया अख्तियार किया है। वहीं वह मोहल्ले के ही एक व्यक्ति ने भगवान की मूर्ति स्थापित कर जमीनों पर अवैध कब्जा करने का काम शुरू कर दिया है। ऐसा ही एक मामला कन्नौज में उस समय देखने को मिला जब मोहल्ला हरदेवगंज में रातों रात बजरंग बली की मूर्ति स्थापित कर एक व्यक्ति ने जमीन पर अवैध कब्जा बना लिया है, जबकि पीड़ित महिला अपनी जमीन खाली कराने के लिए कोतवाली पुलिस समेत आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस LIO टीम ने घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मोहल्ला हरदेवगंज निवासी अर्चना राठौर पत्नी दिनेश राठौर ने मोहल्ले में ही एक जमीन 99 वर्ष के लिए लीज पर ले रखी थी। उक्त जमीन पर पड़ोस के ही राजीव वर्मा पुत्र पन्ना लाल वर्मा गाय बांधने लगे थे। कई महीने बीत जाने के बाद राजीव वर्मा की नियत खराब हो गई और उन्होंने कुछ जमीन पर कब्जा करने का इरादा बना लिया। अर्चना ने जब उक्त जमीन को खाली करने के लिए कहा, तब राजीव वर्मा ने रातों रात उक्त जमीन पर बजरंग बली की मूर्ति स्थापित कर दी। चर्चा का विषय बनी हुई है। जानकारी मिलते ही अर्चना ने मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों की माने तो कल तक उक्त जमीन पर कोई मूर्ति नहीं थी, शुक्रवार की देर रात मूर्ति स्थापित की गई है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज़।